नहीं रहा होगा तो भी रहा ही बोलेंगे। ओके, तो हमने उस दिन देखा कि सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉट एंड सीन एंड सीक्वेंस। शॉट मतलब क्या होता है? कैमरे का तब तक का पूरा पोर्शन जब तक हम लोग उसको स्टॉप नहीं। शॉट सीन क्या होता है? जहां पे वो एक्शन हो रहा है उसमें सीरीज ऑफ शॉट्स, एक शॉट वो एक शॉट वो एक शॉट, चार पांच शॉट, फिर उसका क्या बनता है? सीक्वेंस बनता है ना, एक सीन। अभी यहां से अंबाझरी जाते तो क्या हो जाएगा? दूसरा सीन, तीसरा सीन, शाम को वापस आ गए तो इनको क्या बोलते हैं? सीन। जहां पे एक्शन होने वाला उसको क्या बोलते हैं? प्लॉट। जहां पे भी कुछ होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉट। तो ये क्या है आज? प्लॉट, क्लासरूम इज प्लॉट। ठीक है, प्रीमियर में हम लोग जब भी, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या करते? इंपोर्ट करते। क्या इंपोर्ट करते? फुटेज इंपोर्ट करते, जिस फुटेज से भी तुमको क्या करवाना हो, कन्वर्ट करना हो। ये है क्लास 5 प्रीमियर, बराबर। तो ये क्या बोलता है कि आपको लोकेशन कौन से लोकेशन में सेव करना है, तो ऑलरेडी प्रीमियर का क्लास लिखा हुआ है उधर, किस फुटेज से करना है। तो आप फुटेज भी दे सकते हो इसको, इफ पॉसिबल आप किसी एक फुटेज को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और उससे बन जाएगा। सीक्वेंस का नाम दे सकते हो, सीक्वेंस का नाम मतलब किस चीज़ के लिए बना रहे, कुछ उसका नाम होगा। ये मेरे ख्याल से आधा सा है क्या? हाँ आधा सा है, आधा सा है। तो आधा सा मंदिर ऐसे शॉर्ट सीक्वेंस का नाम रहेगा, आधा सा मंदिर के फुटेजेस वुटेजेस रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग ये पूरा कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे? क्लास 5 नाम का प्रीमियर क्लासेस नाम के फोल्डर में। और इस सीक्वेंस का जो भी डायमेंशन रहेगा उस डायमेंशन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उस डायमेंशन का सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये फुटेज देखो, ये फुटेज हमने सिलेक्ट किया था, इसका क्या है? 60 FPS है। तो हमारा सीक्वेंस भी क्या हो गया? मैंने बताया था तुमको, अगर ये वाला नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हो एनी टाइम। और अगर सीक्वेंस का सेटिंग्स चेंज करना है, ये मुझे 60 FPS नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 25 FPS। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, गो टू सीक्वेंस, गो टू सीक्वेंस सेटिंग, और क्या करेंगे यहाँ पे? 25 FPS करेंगे। डायमेंशन जनरली चेंज नहीं होते, मैंने तुमको बताया कि अभी मैक्सिमम टाइम नहीं, मतलब फुल HD होगा तो यही रहेगा। मैंने ये भी बताया था पिक्सेल एस्पेक्ट रेशो, अगर आपके रेक्टेंगुलर पिक्सेल होंगे कंटिन्यूअस तो लंबा आता है, तो उसके लिए 1440 नाम का एक प्रीसेट आता है, दिखा देता हूँ तुमको। ये HDV कितना है? कमाल तेरा नखरा कमाल, 1440 1280। तेरी अखियां ये क्यों 1440 है? नहीं तो 1440 कैसा होता? रूप है कमाल तेरा नखरा कमाल। क्लास चल रहा है,
कैसा? वो गाना भी रिकॉर्ड हो गया वो मेरा हेडफोन के ऑडियो आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कितना करता हूँ, 1440 दैट टू विदाउट, ये क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर पिक्सल ही रखेंगे। आ गया भाई स्क्वायर पिक्सल, और क्रिएट करेंगे चौकोन जैसा आ रहा है। वाई? क्योंकि ये 1440 है, कितना है, और पिक्सल हमने क्या रखा, स्क्वायर। वही अगर 1440 ही रखता हूँ, एंड क्या है रे पिक्सल साइज 1.33 है ना, तो अभी क्या हो गया, अभी आ रहा है क्या 1920 जैसा? नहीं आ रहा है, जान दो। अभी आ रहा है ऑलमोस्ट, तो 1440 और 1.33 अगर पिक्सल्स लेते हैं, पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो लेते हैं, तो भी 1920 सेम आता है, और स्क्वायर पिक्सल लेते और 1920 बाय 1080 लेते तो भी सेम आता है। आता है क्या? पर गलती से तुमने 1920 और ये देखो HDV 1.5 पिक्सल, मतलब अगर समझो 3 होगा हाइट मतलब विड्थ, तो 2 होगा विड्थ पिक्सल का, अगर वो लेते हैं गलती से ऐसा करीब, तो ये देखो कैसा फैलता है, समझ लो ना, पिक्सल्स पिक्सल्स का खेल है। तो मेरा जो पिक्सल है वो 1.5 पिक्सल 1.4 है बाय 1 है, 1.4 बाय 1, 1.4, तो ऐसे कितने 1920 पिक्सल, तो अपना ऑब्वियसली लंबा आएगा। बस ये समझ लेने का, पिक्सल का खेल क्या है वो ये खेल है, ये समझ लेने का, समझे ना। पर मैंने जैसे बताया अभी 99.99 पॉइंट जो भी परसेंटेज है उसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर पिक्सल आता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर क्या है ना, तुम्हारे दिमाग में ये बात इसलिए घुसनी चाहिए कि कभी तुमने अगर गलती से जब भी सीक्वेंस लेते वक्त गलती से ये ले लिया, तो तुमको ध्यान में आना चाहिए कि ये 1440 तो आ रहा है, 1080 आ रहा है, पर यार ये क्रिएट करने के बाद रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ कहाँ गया पिक्सल, हाँ कहा नहीं, मेरे को क्यों नहीं दिखा, नहीं रुको 2 घंटे, कभी कभी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये बिकॉज ऑफ दिस। तो ये प्रीसेट लिया है हमने, इसलिए अगर तुमने प्रीसेट नहीं लिया कस्टम लिया, अभी देखो अपने आप चेंज करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन बढ़ गए। प्रीसेट मतलब क्या, उसने ऑलरेडी किसी कैमरा का ले लिया है और अभी तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी तुम स्क्वायर लो और अभी देखो आता क्या स्क्वायर, देख हो गया क्या स्क्वायर। तो क्या होता था कि ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है, दूरदर्शन, आज तक HD, सोनी टीवी HD, सुना है नहीं, दो अलग अलग चैनल के होते हैं, अलग है ना, नहीं स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी तो HD दिखता दिखता है ना, HD का ही साइज होता है क्या, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी साइज, आजकल टीवी सभी ऐसे आते ना, पर पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले के टीवी कैसे होते थे देखो, क्या बोलते हैं CRT, CRT बोलते क्या, नहीं CRT टीवी, ये पहले की टीवी, तो पहले HD थे क्या, नहीं थे, पहले ऐसे टीवी थे। तो दो टाइप के मतलब क्या होते थे, ब्रॉडकास्टिंग
क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी होती थी। एक थी पैल जो कि ब्रिटिश लोग यूज करते थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यूज करता था, और दूसरा होता है एनटीएससी जो अमेरिकन यूज करते थे। तो एनटीएससी के लिए जो फ्रेम रेट था वो 28 फ्रेम पर सेकंड, 28 पॉइंट समथिंग, और ब्रिटिश के लिए क्या था 25। क्या अभी नहीं होता है, अभी खत्म हो गया खेल, अभी सब एचडी हो गया। तो पहले क्या था पैल, तो इसके लिए 726x576 क्या मैं इमेजेस में हूँ क्या, मेरे को आल चाहिए ना। अच्छा ओ माय गॉड, पैल वर्सेस एनटीएससी दिख रहा है 30 FPS की अरिबन, ये 25। अब ये नए वाले आए तो इन्होंने चेंज कर दिया, पर अभी सब कुछ 720x576 दिख रहा है, 576 विजिबल लाइंस, 480। तो इसलिए क्लैरिटी नहीं होती थी, होती थी क्या? ये सब तुमको डिटेल में मिल जाएगा, ये कोई एग्जाम नहीं होता है और कोई कुछ नहीं होता है। हमारे लिए 25 FPS पैल स्कैनिंग लाइंस, अभी ये स्कैनिंग लाइंस वाइंस इधर खत्म हो गई क्योंकि इधर क्या आ गया अभी LED। हाँ पहले ऐसे वो कैथोड रे ट्यूब होती थी है ना, तो ऐसे लाइंस आती थी राइट, तो वो ये लाइंस के बारे में वो बात कर रहे। अभी ये सब खत्म हो गया, ये बाबा आजम के जमाने का हो गया ये सब है ना। तो पैल और NTSC ये दो ब्रॉडकास्टिंग पैटर्न्स थे। अभी US वाले आपको पता है ना हमेशा अलग चलते, नहीं ये लोग सेंटीमीटर में चलते, वो इंचेस में चलते, ये लोग किलोमीटर में चलते, वो माइल्स में चलते है ना, ये केजी में चलते, वो पाउंड्स में चलते हमेशा, ये क्रिकेट खेलते वो रग्बी खेलते है ना, नहीं क्रिकेट खेलते वो बेसबॉल खेलते, ये फुटबॉल खेलते वो रग्बी खेलते। हाँ वो उनको मालूम है ना, वो इधर से अलग हुए हुए लोग हैं ना, तो वो हमेशा अलग में चलते। तो और वो ऑब्वियसली इनसे थोड़ा सा क्या है आगे भी। तो फिर ये देखो पैल कहाँ कहाँ यूज़ होता था बोला था, ये NTSC ग्रीन यहाँ पे पैल, और फिर ये ऑरेंज वाला तो जो था SCRM, ये रशिया वशिया वाले लोग ये यूज़ करते। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली सब कुछ ब्रिटिश से लिया हुआ है, तो हम लोग ब्रिटिश से लिए, हमारा दूरदर्शन वैसे ही चलता था, अभी दूरदर्शन भी HD हो गया। तो अभी ये जो है ये अभी ये तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन हो गया ठीक है। तो इसलिए ये भी अभी अपने काम करने, पर कभी कभी किसी ने पूछा तो आना चाहिए करके बता दिया, नहीं तो अभी ये कुछ काम का नहीं है, कहाँ से आया कुछ आया क्या आया मुझे नहीं पता ठीक है। पर फ्रेम रेट अभी भी इम्पोर्टेंट है, मैंने तुमको बताया फिल्म चालू होने के पहले तुम अपने शूट वाले से पहले बता दो कि फ्रेम रेट क्या है, उसके बिना काम चालू ही नहीं करने का, उसको लिख के देने का इसी फ्रेम रेट से शूट करना है। और कल तुमको जो पूरा मैंने ज्ञान सिखाया, तो अगर तुम लोग बता रहे हो कि समझो एक कोई अधिकारी का इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और वो उसको बिठाओ अच्छे से, उसका पोजीशन सेट करो, उसके बाजू में उसकी ट्रॉफीज वॉफीज आनी चाहिए ना, उसको सेंटर में बिठा के डायरेक्ट शूट मत करो, इट शुड बी जैसे ऐसे बैठा है और बाजू में उसकी ट्रॉफीज कोई सर्टिफिकेट उसका अगर लोगो आ रहा होगा उसके ऑर्गेनाइजेशन का वो रखो, उसका अरेंजमेंट करके तुम फिर उसका इंटरव्यू दो, नहीं तो अपन इंटरव्यू ऐसे चालू कर दिया तो खेल खत्म हो गया क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप किसी का भी इंटरव्यू लो तो इंटरव्यू इसी तरीके से लेना चाहिए ठीक है। तो फ्रेम रेट सेट कर दिया, अभी मेरा फ्रेम रेट 29 FPS है, चेंज कर दो क्योंकि मुझे क्या चाहिए 25 स्क्वायर पिक्सल, और ये कितना चाहिए रे? आप कभी भी किसी भी सीक्वेंस को चेंज कर सकते राइट, करते ना, यहाँ पे सिर्फ कस्टम बनाना पड़ता है आपको, 25 कर देता हूँ ओके कर देता हूँ, हो गया मेरा काम, हो गया ना। फिर मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे क्या होती है लेयर्स टाइप होती है, इसको हम लोग ट्रैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये यूज है सुना है ट्रैक्स,
एथलेटिक का ट्रैक होता है, तो सब अपने ट्रैक पे चलते हैं, है ना, कोई इधर से उधर के ट्रैक में नहीं आना, आता है क्या, अपने ट्रैक पे चलता है। और म्यूजिक ट्रैक, दैट वाज द एक्सपेक्टेड थिंग, म्यूजिक के ट्रैक्स होते, वो डीजे वीजे लोग क्या करते, दो ट्रैक्स रखते ही है ना, इसका कम करके उसको मिक्सअप करके वो चालू कर देते, फिर उसको कम करते दूसरे को चालू करते, उनके तीन चार ट्रैक्स में तीन चार सॉन्ग डाले हुए होते हैं, वो करना क्या होता है उनको, सिर्फ मिक्स नहीं हो, एक को कम एक को ज़्यादा, वो मिक्स अपने आप होता है, एक को कम किया मतलब अपने आप दूसरे का बढ़ना चालू हो जाता है। तो ऐसा वीडियो ट्रैक भी है, और ऐसा क्या है, यह है उसका ट्रैक का विजिबिलिटी, ये बाकी क्या है वो हम लोग देखेंगे, ये ट्रैक V1 V2 V3 M1 ऑडियो 1 VM ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऑडियो 3 म्यूट, अभी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपन, पर रिकॉर्ड करने के लिए यू नीड व्हाट, वो है क्या तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे लैपटॉप में माइक होता है, कंप्यूटर में नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है ये जब करते ना तो ये म्यूट कर देगा, नहीं तो अपनी आवाज वापस से सुनाई देती है, अभी नहीं सुनाई देती, क्यों, तो मैंने क्या कर दिया है, म्यूट आ गया ऑडियो, पता है मैं नहीं करता कभी, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, ये भी होती है अपने मालूम है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, जनरली यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बहुत इजी भी हो जाता है, बिकॉज दिख रहा है डायरेक्ट, दिख रहा है, इतने रिकॉर्ड करता हूँ, अभी तुमको समझ में आ गया होंगे मैं रिकॉर्ड करता हूँ करके, ऐसे हवा में बात नहीं करता करके, चल ठीक है सुनो, अभी जो हमिंग आ रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग की वजह से आ रहा है, ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चालू है करके वहाँ पे भी माइक यूज हो रहा है, हो रहा है ना यहाँ पे, ये मैं जो सॉफ्टवेयर पे हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका भी माइक चालू है, उसका हमिंग उसका आ रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरा एक डिवाइस इसको कनेक्ट किया अलग, अच्छा प्रोफेशनल माइक, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एज अ माइक अटैच कर सकता हूँ, वो कैसे अटैच करेंगे, एडिट में जाएंगे, याद रखना कि इसके जो भी प्रेफरेंसेस होते हैं, क्या हार्ड, कौन सा हार्डवेयर यूज़ करना है, कौन सा ऑडियोवेयर यूज़ करना है, वॉट एवर, वो सब कहाँ से दिखता है प्रेफरेंसेस में, बहुत कुछ है, तो हम लोग एक को खोलेंगे तो बाकी सबको खोल सकते हैं, तो आप जाओ जनरल में, तो आपको कुछ दिखाई देता है, जैसे एट स्टार्टअप शो होम, वो जो अपन स्टार्ट करने के बाद एक विंडो आया था ना उसको होम विंडो बोलते हैं, वहां पे दिखा प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेटेस्ट प्रोजेक्ट, अगर तुमको कुछ और दिखाना है मोस्ट रिसेंट तो मोस्ट रिसेंट वाले प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, आपको क्या चाहिए, मेरे को मोस्ट रिसेंट वाले चाहिए, मैंने चेंज कर लिया, देन व्हेन ओपन अ प्रोजेक्ट क्या दिखाना है, शो ओपन डायलॉग बॉक्स और शो होम, ओपन डायलॉग बॉक्स ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, न्यू टैब ओपन होगा, ये यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद न्यू टैब ओपन होगा, ये पूछ रहा है, अब ठीक है, वॉल्ट ओपन इन न्यू विंडो, प्रोजेक्ट्स डबल क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन विंडो, शो इवेंट इंडिकेटर, शो टूल टैब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों रहता है बताता हूँ, ओके यहाँ पे गए, कुछ आया क्या लिख के, ये है शो, इसको बोलते हैं हम लोग टूल टिप, क्या बोलते हैं, एडोब का फीचर है वो, एडोब में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर का फीचर है, वो यहाँ से आता है, ये अगर ऑफ कर दो तो नहीं आएगा, किसी को अगर इच्छा होगी कि नहीं मेरे को टूल टिप नहीं चाहिए, ऐसे रहती किसी की इच्छा, तो वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है कुछ ऐसे, ठीक है, फिर अमिताभ बच्चन, शो प्रोजेक्ट एंड बीन इन प्रोजेक्ट पैनल टैब, ये जो प्रोजेक्ट पैनल टैब है इसके अंदर बीन, बीन मतलब फोल्डर बताया था मैंने, बीन
फिर ये अपियरेंस है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? अच्छा अपना ये अच्छा ये क्या है, ये ब्लैक ही नहीं दिख रहा है क्या? इसको किसी की इच्छा हो तो ऐसा कर सकते हैं, पर मेरे को पसंद नहीं। मैं बोलता ना, मैं डिफॉल्ट चीजों को ज्यादा पसंद करता हूँ। वो ब्लैक में अच्छा दिखता है, आंखों को तकलीफ नहीं होती, तो वही रखते हैं। कोई पता नहीं करोड़ों साल हो गए होंगे प्रीमियर में ऐसे ही चल रहा हूँ, तो किसी की इच्छा होंगी तो ऐसे। फोटोशॉप भी ऐसे चलाते हैं अपन, तो किसी की इच्छा होंगी तो ऐसे ब्राइट वाइट कर सकता है वो उसकी अंतिम इच्छा हो सकती है। हाईलाइट कलर मतलब यहाँ पे जो चीज़ों को हाईलाइट करना है वो कौन सा कलर, वो आप यहाँ से दे सकते हो। मैं जनरली इनको हाथ नहीं लगाता, मेरी आदत है। देन ऑडियो, फिर ऑडियो में अभी अपने पास कोई 5.1 स्पीकर नहीं है, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। अभी अपने पास नहीं है ना, नहीं स्पीकर बोल रहा है, वो अभी अपने पास है नहीं, पर अगर तुम्हारे पास बढ़िया ऐसा होगा तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो। ऑडियो हार्डवेयर में जाओ तो यहाँ पे तुमको एक्चुअली आउटपुट, डिफॉल्ट आउटपुट, देखो एलसीडी टीवी। अभी 2022 या 2022 से एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी है और नहीं भी। जैसे अभी ये लगाया और फिर मैंने माइक, ये टीवी बंद कर दिया, तो ये अपने आप माइक में कन्वर्ट, इसमें हेडफोन में कन्वर्ट नहीं होता और आवाज़ नहीं आती। फिर तुम बोलते हो कि अरे मेरे तो हेडफोन मतलब नॉर्मल, जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं रेंडर निकाल रहा था तब नहीं, फिर सुनने के लिए जा रहा हूँ मैंने हेडफोन लगाए तो नहीं आ रही। तो यहां से तुमको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा प्रीमियर के लिए। तो प्रीमियर के लिए तुम क्या करोगे, अभी जैसे ये मेरे स्पीकर है, हेडफोन्स है, और ये क्या है, इस टीवी का आउटपुट है। मैं अभी टीवी का ही रख रहा हूँ, मेरे को कोई चेंज करने में कोई इंटरेस्ट। फिर ये ऑटो सेव नाम का ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है सिंस हम लोगों को सेव करने की आदत। तू समर का नाम तो ऐसा है कि हम लोगों को सेव करने की आदत नहीं होती, और मुझे ऐसे लगता है कि हर 15 मिनट में मेरा प्रोजेक्ट सेव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दिया हूँ, तो एक जहाँ पे हम लोग सेव करते हैं उसके एक फोल्डर बनता है, और उसके अंदर सेव 1 2 3, और उसके कितने वर्जन्स बनने चाहिए, मतलब 15 15 मिनट के बाद 20 तक बनेंगे, तो कितने हो गए? तो ये अभी समझ लो प्रीमियर क्लास 5 है, क्लास 5 प्रीमियर, तो ऑटो सेव 1, ऑटो सेव 2, ऑटो, ऐसे 20 तक के वर्जन बनेंगे। अब ये जितने ज़्यादा वर्जन डालोगे उतना मेमोरी, जनरली हमको मेरे को आदत रहती कंट्रोल एस दबाने की, क्या रहती, जो तुम याद करोगे कि मेरे को हमेशा है ना कंट्रोल एस। नहीं तो क्या होगा, लैपटॉप पे बैठोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो बेचारे डेस्कटॉप पे बैठते हैं उनका कभी भी गेम हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना कि उन्होंने क्या करना चाहिए। एक कैप्चर एक जमाने में यूज होता था, अभी कुछ ही होता नहीं। रीजन में अभी कैप्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ। पहले के जमाने में जो हैंड कैमरा होते थे उसमें डिस्क हुआ करती थी, डिस्क नहीं होती थी, तो उसके अंदर रील में मतलब वो क्या होता है, टेप रहती थी, उसमें सेव होता था। उससे हमको कंप्यूटर में डालना होगा तो कैप्चर करना पड़ता था। अभी क्या हुआ ना, मैं जब आया इंडस्ट्री में उसके बाद में ये खत्म ही हो गया, पर उन्होंने ऑप्शन रखा है। अभी भी मैं जब आया 2005-06 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी कैप्चरिंग एक ही बार किया सिर्फ अपनी लाइफ में, तो अभी तुमको ये कैप्चरिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो बात अभी अगर ऐसा होता है कि हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो मैं किसी सीक्वेंस पे काम कर रहा हूँ, कोई और किसी सीक्वेंस पे काम कर रहा है, तो इसके लिए हमको सब नेटवर्किंग में चाहिए कंप्यूटर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, टीम्स में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आएगा, पर उसके लिए क्या चाहिए, सभी कंप्यूटर
ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन मतलब लैंड से कनेक्टेड चाहिए तो कर सकते हैं। जनरली आज तक जिंदगी में मैंने नहीं किया, मैंने अभी तक नहीं किया लैंड में प्रोजेक्ट, लेकिन किसी को करना है तो कर सकते हैं। मैं क्या करता था, सबको सबके फुटेज दे देता था कि भाई ये तू कर, ये तू कर, ये तू कर, फाइनल सब आने के बाद सब एक पीसी में डाल देने का, वहाँ से सब कुछ एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कभी ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए हम लोग रखते हैं डिवाइसेस कुछ है। नो ग्राफिक्स का क्या है, बहुत सारे नए नए चीज़ें भी आई है। पैराग्राफ का लेफ्ट टू राइट बोल रहा है, मतलब लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे और राइट में जाएगा, जो जनरल मेथड है ऐसे लिखते ना हम लोग, कैसे लिखते हैं। अगर कोई फॉन्ट मिसिंग है, मतलब मैं मान लो कि तुम्हारे यहाँ मैंने, मतलब तुम अपने कंप्यूटर पे काम किए हैं और तुमने फॉन्ट यूज़ किया रोबोटो, जो गूगल के फॉन्ट, और फिर वो प्रोजेक्ट तुम मेरे पास लेके आए, पर तुम्हारी इतनी तो ये रहता नहीं है कि तुम लोग वो फॉन्ट भी लेके आओ, फिर वो मेरे यहाँ क्या दिखाता है, अगर इंस्टॉल नहीं रहा तो मिसिंग दिखाता है, तो वो मिसिंग फॉन्ट को रिप्लेस करेगा किस फॉन्ट से, इस फॉन्ट से। हम लोग चेंज कर सकते, हम लोग बोल बोल सकते कि भाई किसी ने कोई भी फॉन्ट लेके आया और वो मेरे इधर नहीं मिला, तो उसको एरियल से रिप्लेस कर, हम लोग जो चाहिए वो फॉन्ट कर सकते हैं। ऐसे वक्त में मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं अपने जो फॉन्ट्स यूज़ करता हूँ उसको भी लेके जाता हूँ, वो तुमने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको याद रखो, मैं जो भी फॉन्ट्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो मैं उस प्रोजेक्ट फोल्डर में फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर बना के डाल देता हूँ, क्योंकि वो सबके पास रहता है ऐसा कंपल्सरी नहीं, लेकिन मेरे को सबको अगर देना है तो, क्योंकि ये फॉन्ट खरीदे हुए भी रहते हैं। देन लेबल्स है, ये तुमको समझ में आ गए होंगे लेबल्स क्या है, ये लेबल्स, ये कलर्स है, इतने कलर्स ऑप्शन वहां पे मिलेंगे जिनको हम लोग अलग अलग, ये दिख रहे हैं ना, कभी कभी ना क्या फालतू में ऑप्शन डाल दे क्या इसमें, तो ऐसे भी कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसे सीख जबरदस्ती कुछ तो भी सिखाना, जबरदस्ती कुछ तो भी करना। ये XMP फाइल है जो टेम्पररी फाइल्स होती है, जो इसको सेव करने के लिए कोडेक बोलते हैं इसको, कोडेक क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्रेस करते हैं वीडियोस, जो बड़े वाले वीडियोस बनते हैं उसको कॉम्प्रेस करने का काम करते हैं। देन कैश फाइल्स होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैश फाइल्स, हम लोग जब कुछ भी काम करते प्रीमियर में तो वो जब एंटर मारते तो उसकी क्या बनती है, कैश फाइल्स क्रिएट होती है, कुछ भी करते तो जैसे यहाँ पे ये करते हैं हम लोग, परसेंट टेम्प परसेंट क्या होता है, टेम्पररी फाइल्स दिख रही, ये कभी कभी 25-30 GB की बन जाती है, 2 GB की अभी एक ही फाइल है, दिख रहा है ये फोटोशॉप की टेम्पररी फाइल, फोटोशॉप ओपन किया ना, उसकी फाइल बनती है टेम्पररी, गई तो ये फाइल यहाँ पे बनती है, मैं पहले की फाइल होंगी उसको डिलीट मार देता, हो गई कुछ बनती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते तो कैश फाइल्स बनते जाती है, डिलीट करते जाना या फिर वहां पे फोल्डर में जाके करो, ये देखो मैंने डी ड्राइव एफ एक्स कैश करके लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फालतू में डिलीट किया, टाइम टेकिंग होता है सब कुछ। ये क्या बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली डिलीट कैश फाइल फोल्डर ओल्डर देन 90 डेज, मैंने डिलीट करने के लिए मना किया लेकिन 90 दिन हो जाए तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, या 29 GB के ऊपर हो गया तो तुमको क्या करने का है, कैश फाइल हमेशा डिलीट करते रहना होता है, तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी। फिर तुमको प्रीमियर के लिए रैम कितनी देनी है ये तुम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अभी मेरे यहाँ 16 GB रैम इंस्टॉल्ड है, उसमें से 5 अलग, क्योंकि यहाँ पे सर्च एवरीथिंग वगैरह यूज़ करता हूँ ना मैं, उसके लिए रखी है, और अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं
और 11 GB रैम जो है वो AE प्रीमियर प्रीलोड खड़ा उस, मीडिया इनकोडर फोटोशॉप ऑडिशन उसके लिए रखा हुआ है, तो अगर रखना है तो उसके लिए रख सकते हैं। पोस्ट रोल प्री रोल क्या जरूरत नहीं तो भी डाल दिया। टाइम लाइन वीडियो ट्रांजिशंस हम लोग बताए थे क्या, दो शॉर्ट्स के बीच में ट्रांजिशन डालते, तो वो वीडियो ट्रांजिशन बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड का है, पर ऐसा तुमको लगता है कि मैं जब भी यूज करूँ तो 2 सेकंड का होना चाहिए, तो अब यहाँ से पहले ही चेंज कर लो, क्या करो 2 सेकंड कर लो, तो जब भी ट्रांजिशन इंक्लूड करोगे करके ही दिखाना पड़ेगा, है ना। वो तो तुम बोलोगे कि सर ने हमको क्या शॉर्टकट यूज किया मैंने कट करने के लिए, कंट्रोल के। कंट्रोल कैसे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इफेक्ट्स है अपने आप ही है। कहाँ पे था मैं, अगर तुमको याद होगा वर्कस्पेस में, कौन सी वर्कस्पेस ली थी मैंने, एडिटिंग, और फिर बाकी अरेंजमेंट करके रखी और सेव कर दिया। सेव कैसे किया, सेव न्यू, तुम लोग सेव न्यू वर्कस्पेस करोगे, उसको नाम दोगे, मैंने अपना नाम दे दिया। तो यहां पे मैंने डाला है डीप टू ब्लैक है, यही सबसे ज्यादा जिंदगी में यूज किया मैंने अभी तक, डीप टू ब्लैक। तो इसको उठाया, देखो इसको उठाया और यहां पे डाला गया, कितना सेकंड का है, क्यों 2 सेकंड का है, क्योंकि वहां पे 2 सेकंड हमने किया था। अगर तुमने 1 सेकंड किया तो 1 सेकंड का आएगा, 4 सेकंड किया तो 4 सेकंड का आएगा। कहां से चेंज कर, अभी चेंज नहीं होगा, अभी अभी चेंज नहीं होगा। अभी अगर तुम 3 सेकंड करते हो तो ये 3 सेकंड नहीं होगा, डाला हुआ चेंज नहीं होता, नया डाला हो तो 3 सेकंड हो गया। चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, 1 सेकंड भी कर सकते, पर जब भी नया डालोगे तब 3 सेकंड का ही आएगा, बिकॉज मैंने बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है वो कितनी करी, तो तुमको पता है कि मैं डिफॉल्ट चीजों को, अपन डिफॉल्ट मोड में चलते हैं, मैं भी हमेशा डिफॉल्ट मोड में रहता हूँ, हमेशा जनरली एनर्जी मोड में रहता हूँ, एक आध बार मूड चेंज होता है लेकिन वो एक आध बार ही होता है, नहीं है कभी कभार। ये स्टील इमेज, हम लोग कुछ इमेजेस भी इंपोर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टील इमेजेस क्या होती है, इंपोर्ट होते वक्त ही 1 सेकंड की, मान लो तुमने इमेजेस फोटोज खींचे और उसका स्लाइड शो बनाना है तो क्या होगा, तुम इंपोर्ट करोगे ना इमेजेस, नहीं नहीं करोगे, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो ही है नहीं क्या, इमेजेस होनी चाहिए यार, ऐसा तो होता नहीं कभी, इमेजेस नहीं होगी है ये इमेजेस। अच्छा हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट किया, पेस्ट किया, दिख रहा है क्या तुमको नाम वगैरह, बराबर नाम लिखना ये बहुत जरूरी, अपने खुद के नाम जैसे होते हैं वैसे इनके नाम होने चाहिए। क्या हुआ, आ गए इमेजेस, इन सबको उठाया इधर डाला,
क्या हुआ? यू मस्ट अंडरस्टैंड, है ना? एक एक 33 पे है। एक सेकंड क्यों? एक सेकंड बिकॉज हमने सेटिंग में कितना करके रखा है। लेकिन अगर मैं जब भी ऐसा चाहूं कि मैं जब भी इंपोर्ट करूं नया कोई इमेज, तो कितना सेकंड का होना चाहिए? तो क्या करूं? अभी कुछ नहीं हुआ, ये डिलीट करना पड़ेगा। मैंने लोगों को क्या होता है, डिलीट अभी करो और अभी करो। आ गया क्या 5 सेकंड का ही? मैं तुमको ये अभी क्यों बता रहा हूं, मैं रीजन बता, क्योंकि क्या होता है ऐसे बहुत बार आता है कि फिर हम लोग हर एक का एक एक का 5 5 सेकंड का बढ़ाते बैठते हैं और उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है सभी। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए तुमको बताया। हालांकि स्टॉप मोशन एनिमेशन करते हैं, सिखाऊंगा एक आध, अपन एक आध दिन ऐसे वर्कशॉप लेंगे स्टॉप मोशन एनिमेशन का। ब्यूटीफुल होता है, बहुत मज़ा भी आता है। तो थोड़ा सा आपको थीम लेके आना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब मैंने ऐसे पूरे निकाले हर एक के स्टॉप मोशन से, एक 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 कैमरा लगाया, फोटो निकालते गए, कैमरा लगाया, फोटो निकालते गए निकालते गए, ऐसे करीब 400 500 फोटोज हो जाते हैं। फिर वो 400 500 फोटोज को का भी हमको एक वीडियो बनाना होता है। तो 400 500 फोटोज का वीडियो बनाने के लिए फिर उनको लाइनअप किया। फिर वो मुझे लगा कि नहीं, हर एक का 5 सेकंड का ड्यूरेशन होना चाहिए, तब बहुत सारी चीज़ें पता नहीं। तो फिर हर एक का 5 सेकंड, तो फिर हर एक को ऐसे बढ़ाते रहना पड़ा। फिर मेरे को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो मेरे को तो स्टील इमेज का एक फिक्स ड्यूरेशन चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ से वो ढूंढ के निकाला, गरज ही शोधाची चलनी हस्ते। तो मुझे प्रॉब्लम आया, तुमको नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने तुमको क्या किया, पहले ही बता दिया। फिर अपन सेम सीक्वेंस में मतलब इमेज का ड्यूरेशन बढ़ा नहीं सकते क्या फिर दूसरी इमेजेस बढ़ा सकते हैं अभी अभी जैसे ये इसमें आपने 5 सेकंड रखे हुए 5 सेकंड में तो उसके ऊपर नहीं होगा 10 हो सकता है, हो सकता है ना अभी भी सेम सीक्वेंस यही सीक्वेंस में तुम 10 कर सकते हो, पर ऐसे करना पड़ेगा। देखो इमेज को तुम, एक ही इमेज है तो उसको 100 सेकंड की भी कर सकते हो। वाई? क्योंकि वो एक ही इमेज है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वीडियो अगर 10 सेकंड का है तो 20 सेकंड का नहीं कर सकते। बैंक में पैसे जितने हैं, ये है अपना अनलिमिटेड कार्ड जिससे तुम कितना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं होगा बाय, बिकॉज वीडियो में जितना पैसा बैंक में है, मैंने बताया था ना उस दिन, ये स्टार्ट एंड नहीं आ रहा क्या, उसके एंड में वो एरो नहीं दिख रहा है, क्यों ऐसा? ये दिख रहा है ना, उस दिन दिखाया भी था तुमको। ये देखो ऑडियो में भी ऐसा कुछ आएगा क्या? कॉर्नर आता है, व्हाइट कॉर्नर, दैट मीन्स तुम बोले सर ये फोटो नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है क्या? अरे जब उस दिन दिख रहे थे ना, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कैसे है यार, ये भी नहीं चाहिए, ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन ऐड कर दिए, इधर ही थे पर इधर से उन्होंने उधर ऐड कर दिए। तो ठीक है, लेट देखते हैं हम लोग इसको, यानी कुछ ऑप्शंस गायब हो गया ऐसा मेरे को ऐसे लग रहा है पिछले बार से। तो क्या होता है, वर्जन चेंज होता है ना, तो मैं प्रीमियम में ज़्यादा काम नहीं करता। वर्जन चेंज हो जाता है ना, तो नए नए कुछ एक आध दो ऑप्शंस बढ़ा भी देते हैं। जैसे पहले
2000 अगर कोई CS6 यूज कर रहा होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं था, स्पीड वाला, उस स्पीड वाला ऑप्शन इन्होंने बढ़ा दिया। और मैं यूज नहीं करता स्पीड को, मैं स्पीड को कैसे यूज करता मैं आपको बताता हूँ। देख रहा क्या ये ट्रांजिशन, आपने देखा होगा बहुत सारा। अभी क्या होता है ना, ट्रांजिशन यूज करने का बहुत, देखो अभी ट्रांजिशन यूज किया तो 5 सेकंड का है, तो बढ़िया आराम से गया, आराम से, ये फास्ट ट्रांजिशन है। देखो ट्रांजिशन कितने सेकंड का यूज करना है ये एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर नहीं करता है। कभी कभार किसी को ऐसा चाहिए होता है, फास्ट चाहिए होता है, फ्लिकर बोलते हैं उसको, तो वैसा फ्लिकर चाहिए होंगे तो क्या करते, सिंपल इधर ही जैसे इमेजेस लिया, जैसे वीडियो लिया, जैसे ऑडियो लिया, जैसे सीक्वेंस लिया, वैसे यहाँ पे सॉलिड भी ले सकते हैं। क्या उसको मैट बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं फोटोशॉप में उसको, क्या बोलते रहे, सॉलिड, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कलर का चाहिए, ये देखो ये अभी अपने सीक्वेंस के साइज का हुआ क्या, 1920x1080 25 fps एंड नीचे स्क्वायर पिक्सल, ओके करो। अभी वो पूछता है कलर, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक, इसको नाम दो, क्या ये, अरे किस लिए यूज कर रहे हो पता है ना। और ये इधर नहीं आता, किधर आता है, इधर, फिर इधर से, तो ये कितने भी जगह यूज हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है सीक्वेंस, किसी और जगह भी यूज हो सकता है। देखो अभी खट से काला हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये सिंपल लॉजिक है, ये पेपर है, ये टेबल के ऊपर है, तो वो टेबल के उसके नीचे का हिस्सा क्या करेगा, हाइड करेगा। इसके ऊपर मैंने पंजा रखा तो पंजे के नीचे का पोर्शन ही नहीं दिखाई देगा, बाकी का दिखाई देगा, उसके नीचे मेरा हाथ है, दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि पेपर उसको क्या कर रहा है, फुल्ली कवर्ड कर रहा है। जैसे फोटोशॉप है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है, जैसे इलस्ट्रेटर है, जैसे हम लोग चेयर पे बैठे तो चेयर का उतना हिस्सा दिखता है जितना हम लोग उसके ऊपर बैठे हैं, वैसा ही ये क्या करता है। हमने साइज इसका क्या है, 1920x1080 लिया है, और वो बराबर उतने हिस्से को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। पर अभी हम लोग इंसान है नहीं है, हम लोग इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को इसको छोटा करना है, क्या करना है, ये जो इसको सरकाना है। तो देखो ये मूव टूल या सिलेक्शन टूल लिया तो तुम इसको कहीं पे भी सरका सकते हो। अच्छा ये सिंगल है ना, इट्स अ मैट, इट्स अ सिंगल इमेज, तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। तुम बोले सर काम क्या है इसका, मैं अभी इसका काम दिखाता हूँ, ठीक है। तुमको क्या बताया, रेजर टूल कट, दूसरा ऑप्शन मैंने कंट्रोल के दबाया, लेकिन तुमको एक पर्टिकुलर पकड़ के, इसको पकड़ के क्या करना है, कट 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 करते जाना है, तो कट कट करो, कैसे करोगे, लो ये रेजर टूल, थोड़ा जूम करें, टिल्टेड की बताया था 1 के बाजू वाला बटन, तो क्या किया मैंने, कभी कभार अपन होशियारी करते, मेरे को ऐसा लगता कि यार उसके नीचे का भी कट होना चाहिए, तो दबाओ, क्या दबाया, शिफ्ट, तो दिख रहा है, ओ उसके ऊपर जितने भी लेयर्स होंगे, नीचे भी जितने लेयर्स होंगे, सबको कट करें, पर रिक्वायरमेंट होगा तो करो, नहीं तो मेरे को सिर्फ इसी लेयर पे काम करना है तो मैं इसको अलग अलग स्टाइल से करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, आजकल फ्लिकर का एक प्लगइन भी आता है, वो डाल दिया तो भी अपने आप खड़ाखट प्लगइन, जूम,
इसे कुछ भी मैंने मार दिए, फिर क्या किया, वी। वी क्या होता है, वो जो सिलेक्शन टूल है ना उसका शॉर्टकट है, क्या है, सी फॉर रेजर टूल, वी फॉर सिलेक्शन टूल। ये शॉर्टकट कैसे याद रहेंगे, टिल्डेड की दवाए, कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ वी, यहाँ पे जाओ, जब तक इतने बताए तब तक इतना ही करना है। क्या करेंगे, तुमको पता है क्या करेंगे, फ्लिकर करना है, एवरी अल्टरनेट को क्या करो, डिलीट करो। और भी तरीका है लेकिन पहले यही करो। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, मतलब मैं इतना ही कट किया ना, ये ऑल्ट दबाता हूं, क्या करता हूं, कुछ हुआ क्या, कॉपी हुआ, ऑल्ट दबाता हूं, चारों को सिलेक्ट किया, ये ड्रैग, ऑल्ट दबाया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ज्यादा को सिलेक्ट करने का अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट हो गया क्या, नाउ व्हाट, क्या करेंगे, अरे इसको डिलीट, मतलब आप एक को कट करके भी इतने लोगों को कर सकते हैं, डिलीट, अल्टरनेट, वैसे भी कॉपी कर सकते थे, अल्टरनेट इंटरनेट डिलीट करके भी कर सकते, मैं अल्टरनेट ऐसे डिलीट करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ठीक है। टिल्टेड की अगेन, वन के बाजू वाला, तो जैसे मैं ये बोलता हूँ वैसे तुम भी बोलोगे तो ज़्यादा क्या है ना, ये विदाउट म्यूजिक है, विदाउट म्यूजिक होने की वजह से और कम कर उसका डिस्टेंस, सब डिस्टेंस का ही खेल है ना, देखो सामने जाके पता चलेगा, हो रहा फास्ट। और भी एक तरीका है, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उतना माइन्यूट कट्स मारने पड़ेंगे, दो सेकंड, दो फ्रेम का, तीन फ्रेम का, दो फ्रेम का, तीन फ्रेम का भी ये रखना पड़ेगा, ये कितना है अभी, ये इतना रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सभी का ऑल्ट दबा के कॉपी होता है, यहाँ पे भी हम लोग देखो यहाँ पे फास्ट होता है कि देखो एज फास्ट, मतलब तुम जितना चाहिए उतना फास्ट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। नाउ और कोई चाहिए वीडियो, और इसके ऊपर एक हाथ वीडियो रख सकते हैं, और नीचे रख सकते हैं, वॉट एवर जो तुमको चाहिए वैसा कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि इसको छोटा करना है, क्या करना है, छोटा, छोटा मतलब स्केल, तो इसको सिलेक्ट करोगे आप किसको, और यहाँ पे देखो क्या है, इफेक्ट कंट्रोल, अगर नहीं दिखता है तो कहाँ पे जाओगे, शिफ्ट फाइव उसका शॉर्टकट है, तो कैसे आ गया, क्या क्या है, जिस भी मतलब क्लिप को आप सिलेक्ट करोगे उसका इफेक्ट कंट्रोल रहेगा, ये DJI 155 सॉरी है, अरे बच्चा लोग है कि नहीं, तो ये आपने देखा, ये डिलीट मार दो क्या ऊपर के, नाउ क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है,
जैसे छोटा करना है, हो गया कह रहे छोटा, ये बड़ा ही रहेगा क्यों? अरे ये दूसरा है ना, कट है, अलग है, अभी ये अलग हो गया, वापस से इसको रीसेट कर सकते हैं। देखो रीसेट, दिस इज रीसेट, ये है पोजीशन। किधर खोपचे में चला गया, गया रीसेट। बाय डिफॉल्ट 960 by 540 होता है, क्योंकि 1920 का हाफ कितना होता है 960, और 1080 का हाफ होता है 540। तो इसका आधा मतलब यहाँ पे इसका पिवोट आएगा हॉरिजेंटल का, और वर्टिकल का पिवोट आएगा यहाँ पे, इन दोनों का मिला के कहाँ पे आएगा दिखाओ, आया सेंटर में? क्या करना पड़ता है, इसको सिलेक्ट करके यहां पे क्लिक करो तो क्या हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। अभी मैं मूव कर सकता हूं क्या, अभी मैं स्केल कर सकता हूं क्या, अभी मैं रोटेट कर सकता हूं क्या? हाँ, ये सब इधर हो रहा है क्या? थोड़ा जामल जामल होता है इधर, इसलिए मैं क्या करता ना, इधर कॉर्नर में हो रहा है रोटेशन, मूवमेंट हो रहा है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट चेंज हो रहा है, एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसके अराउंड में वो कहीं पे भी घूमेगा। तो ये कहाँ है अभी, यहाँ। तो अगर मुझे अभी रोटेट करना है, कहाँ से रोटेट हो रहा अभी, पहले कहां से रोटेट हो रहा था, पहले कहां से रोटेट हो रहा था, सेंटर से। और जैसे मैंने पिवोट चेंज किया तो पिवोट एंकर पॉइंट जब भी मैं बोलूंगा ना, तो ये दोनों एक ही वर्ड है, एक ही को रिप्रेजेंट करते, दैट इज चेंज हो रहा है। कभी कभार मतलब जिंदगी में कभी करना नहीं है ऐसे, पर ऐसे किसी की इच्छा हो सकती कि नहीं यार मेरे को रोटेशन वोटेशन ये सब तो ठीक है, कर दिया मैंने, ये सब कर दिया रीसेट, ये मास्टर रीसेट है। क्या है मतलब, सबको एक साथ रीसेट मार दिया। ये कभी कभी जिंदगी में लोग करते हैं, जो कि मैंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, इन डिज़ाइन सिखाऊंगा, तो मैंने सब जगह इसको मना किया है। क्यों ऐसा कोई करता है क्या? तो करने का भी नहीं, इसीलिए इसको कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाने का। नहीं यार वो सर, वो आपने कहिया तो ठीक है, पर वो नहीं क्या, मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है तो बाहर लेके जाओ। मतलब ऐसा कोई इमेज हो सकता है कि जो तुमने स्केल वाला किया होता, मतलब स्क्वेयर शेप में होगा, हो सकता है, पॉसिबल है नहीं है? अरे ऐसा पॉसिबल है ना कि अपने पास आते हैं, ऐसा अभी नहीं है। जैसे ये इमेज ले लिया, जैसे हॉरिजॉन्टल नहीं है बराबर, आज नहीं मिलेंगे वो। जैसे ये ले लो, ये एक इमेज है राइट, ये इमेज है क्या? नहीं है ना, ये फील कर रही क्या इसको अपने? नहीं, तो इसको ऐसा खींचेंगे नहीं हम लोग कभी, ऐसा ही करेंगे। कैसा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, नहीं सर एडजस्ट कर देते ना, क्या फर्क पड़ रहा है? किया तो तुम्हारा गेम नहीं करने का, ऐसा स्केलिंग, और किया तो गोली मार दी जाएगी। ये बात सही बोला, हाँ, पर वही बोलेगा कि सर फिर हम लोग इसको क्या करो, कुछ मत करो,
ऐसा करो, बाहर जाने दो ना उसको, क्या प्रॉब्लम है, बाहर जाने दो ना उसको, वैसा स्केल मत करो। किसी को खींचना मतलब उसका पूरा, सबसे पहला तुमको ग्राफिक डिजाइन के लिए अगर कहीं इंटरव्यू के लिए भेजूंगा और तुमने उसको ऐसा आउटपुट दिया, पहले भगा देंगे वो। अट भग क्या, जिसको इतना सेंस नहीं है कि किसी भी इमेज को खींच खाच नहीं करना है, वो मेरे साथ काम क्या करेगा। मतलब मैं तो ऐसे ही भगा दूंगा तुमको। तुम खुशकिस्मत हो सकते हो कि किसी जगह जाओगे और तुमको मिल जाएगा। तुम ना, ये जो घड़िया है, ये घड़िया है एनिमेशन करने की, नहीं? हाँ तो करो एनिमेशन। जैसे यहाँ पे आया, क्या किया हमने, मैं बहुत सिंपल वाला एनिमेशन करता हूँ, स्केल किया, क्या किया, और फिर आगे लेके गया, और क्या किया, इतना ही स्केल किया। प्रभु क्या हो रहा है, कभी कभी उसके सर कट सकता है, कुछ हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ये की यहाँ पे आ गया, एक की दिखाई दे रहा है, अच्छा लो दिखाई दे रहा है क्या, ये स्टार्टिंग में एक की, ये बराबर ड्यूरेशन, सो यहाँ पे गया, ये फर्स्ट की लास्ट की पे स्विच करने का तरीका, बीच में अगर कोई की आई होंगी तो ये की दे भी दे सकते हैं हम लोग, मतलब कोई ऐसे हो सकता है, ऐसा कर सकता है कि डैंग, तो क्या होगा, बढ़ेगा एंड देन छोटा होगा, ऐसा करते नहीं लेकिन ना, ऐसा सिलेक्ट करो, डिलीट की देने का सबसे बेहतर और स्लाइड शो बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, की दे दिया एंड में गया, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा ही बढ़ा है, फिर पोजीशन में गया, क्लिक किया, मुझे लगता है कि पोजीशन में थोड़ा नीचे रहा, पोजीशन में क्या थोड़ा नीचे हल्का दिख रहा है, फिर नेक्स्ट इस पे गया, ठीक, अभी देखो प्ले, स्पेस बार से प्ले होता है, सुनील मेंढे की जगह रिफ्रेश नहीं हो रहा है, F10, विंडो डी, प्रीमियर, डिस्प्ले, कुछ है क्या इसमें, नहीं, डीजे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, कैप्चर वो यहाँ का करना चाहिए, तो ठीक है इसी प्ले करके देखते हैं, दिख रहा है क्या, जूम हो रहा है, हल्का हल्का जूम, मैंने बोला ना कोई भी इमेजेस स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, पता है था क्या, प्ले करो यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से वो आ रहा है, हो रहा है हल्का जूम, बस इतना ही जूम रखने का, कभी कभार हल्का सा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रोटेशन हल्का ऐड करके, कितना कितना हल्का, जब मैं हल्का बोलता हूँ तो 5-7 डिग्री बस बहुत हो गया, अभी प्ले करो देखो कैसा लगता है, ठीक है, अभी इस साइज का कुछ भी रहा तो हम लोग उसको ये डाल सकते हैं, पर इस साइज का चाहिए, क्या चाहिए, तुम बोलोगे सर कैसे, जैसे मान लो इसके पीछे ये लगा दिए, ये है ना अलग अलग टाइप के, तो तुमने प्ले कर दिया, मान लो अभी बराबर आ, अभी इनको भी वही चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्ट करो इसको, ये दिख रहा है पूरा मोशन, कॉपी, क्या करेंगे, कंट्रोल
और फिर एरो से नहीं, क्या पिछला वाला फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम, या ये दिख रहा है फाइनल आउटपुट, याद है मैंने तुमको सोर्स बताया था, और ये मैं बताया था सोर्स यूज ही नहीं करता। तो यहां पे जैसे ये देखो मोशन पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, प्रॉब्लम आ गया, इसका साइज नहीं ना वो, अरे इसका साइज अलग था ना, और इसका साइज अलग था तो इसके लिए मुझे अलग से सेपरेट एनिमेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर, करेंगे और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास, क्योंकि ये 1270 वाला है, फुल एचडी नहीं। मैंने तुमको बताया था ना एनिमेशन जब 3D निकालते हैं हम लोग तो 720 निकालते हैं, वाई क्योंकि टेस्टिंग वाला होता है, उसको फाइनल आउटपुट 120 मतलब 1080 में तो वो रेंडर होने के लिए एक करीब टाइम लगता है, नहीं बोला तो भी। अभी कभी कभी मुझे ये देखना है कि ये फोल्डर कहाँ है, इमेज तो मैंने ले लिया लेकिन ये कहाँ है अभी नहीं पता मुझे। तो क्या करो इसके ऊपर राइट क्लिक, नीचे जाओ, ओपन रिवील इन प्रोजेक्ट में, यहां दिखाई देगा ये वाले प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में रिवील इन एक्सप्लोरर करोगे तो फोल्डर ओपन करके देगा, ठीक है। ये देख किसका ऐड है, ये इसके स्टैंड का ऐड, स्टैंड है ना इसका प्रोजेक्ट है वो, दिख रहा है स्टैंड, तुमको पता कि ये अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ इन दिस सेंस, उसको कुछ और ही चाहिए था, पता नहीं क्या चाहिए था, मतलब ये सब बना के अपन ने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट किया। मैंने इसके पैसे लिए 6,000 रुपये, ये जो बनाया ना इतना ही बनाया है, ये तो रेडीमेड डाले हुए, इसके 6,000 रुपये लिए, उसने अप्रूव नहीं किया तो वो उसकी गलती है, क्योंकि अपन ने कितना उसके साथ काम किया है, दिख रहा है फाइल सीख रही ना, स्टैंड ए स्टैंड बी, उसको ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आया, फिर उसको वो बोले कि रियलिस्टिक चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए तो फोटो शूट करना पड़ेगा, बोला नहीं वैसा नहीं बोले वो, फिर प्रॉब्लम आता बोले उसमें, प्रॉब्लम आता तो 3D बनाना पड़ेगा, पर 3D वाला 3D लगेगा ना, अरे मेरी बेटी भी, तुम मेरी बेटी के सामने बैठोगे ना टीवी पे तो वो भी बता देगी कि ये विजुअल इफेक्ट से करके, कैसे बताएंगे, अरे उनको तो समझ सबको होती है, तुमको किसको प्रमोट करना है, तुम्हारे प्रोडक्ट को, भाई ये मेरा प्रोडक्ट है ऐसा तुम रख सकते हो, आइदर तुम रख सकते हो या तो नहीं रख सकते हो, तो कस्टमर ये थोड़ी बोलेगा नहीं यार, उसको समझ में आता है ना सिल्वर है ये, उसको नहीं बताना है, मैं बोला ठीक है इसका ये बिल पे कर दो बात खत्म जाओ, पर ये बात करते आना चाहिए, नहीं तो तुम क्या बोलते, अरे नहीं मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कैसे पैसे दे, नहीं उसको पहले बोलने का, तू तेरा भाई देख मैं सैंपल बनाऊंगा उसका पैसा लगेगा, तू सिलेक्ट कर या नहीं सिलेक्ट कर वो तेरा प्रॉब्लम है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, नहीं है ऐसा नहीं, उसने जो जो बोला सब करके दिया, हमने बोले वो बॉटम में अपने को ट्रांसपेरेंट लगना चाहिए, ट्रांसलूसेंट लगना चाहिए, ये ना ट्रांसलूसेंट ब्लू कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, अपन ने सब दिया उसको, समझे क्या, आपको पैसे देने से मना करा कभी नहीं दे रहा, ऐसा तो होता नहीं कभी, वो तो पहले ही एग्रीमेंट होता है अपना म्यूचुअली, पैसे लगता है, मैं किसी के साथ जब बेचता हूँ ना, तुमको प्रोफेशनलिज्म भी सीखना पड़ेगा, समझ थिंगा, दिख रहे है? सब में अपना लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल, क्या क्या देंगे, समझे क्या, उसके बिना कैसे काम करेंगे, चल जाए 50% था, लिखा रहता है उसके साथ अकाउंट डिटेल्स जाती है, वो पैसे दिए बिना चालू ही नहीं करते काम, काम चालू किया गया पहले वो ट्रांसफर करते हैं, और वो जब देते हैं फिल्म तो उसको छोटी साइज में फिल्म देते हैं, दूसरा उसके ऊपर लिख के देते हैं वाटर मार्क डाल के,
अपने पहचान कहूंगा तो दे दे, पैसे तो कैसे भी निकाल लेंगे उसके ऊपर। पहले मैं करता था वाटरमार्क, अभी वाटरमार्क नहीं डालता, तो पैसे तो कैसे भी निकाल लूंगा मैं। अभी इतना तो ताकत है नहीं किसी में अपने पैसे डुबाने का। वो डुबाएगा तो अपन उसको कहाँ कहाँ से डुबा देंगे, वो अपन कहीं से भी ब्लॉक कर देंगे उसको। वैसे तो करते नहीं, अभी उनको समझ में आ जाता ना। तो कैसा है ये तो बात करने के तरीके भी आ जाता ना। जैसे आज एक मेरे को डॉक्टर मिले, बोले आपके स्टूडेंट के साथ एक सेशन लेना है। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसके सेमिनार्स लेते हैं। सेमिनार से डॉक्टर ही है, प्रॉपर डॉक्टर ही है। तो बोले ठीक है, तो उनका भगवद गीता पे अभ्यास है, तो मेरा भी अब भगवद गीता के ऊपर अभ्यास है। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हमने किया है उसके ऊपर काम, तो उनको बड़ा मजा आया। अभी हमने जिंदगी में कभी भगवद गीता के ऊपर कभी पढ़ा भी नहीं, सुना है भी नहीं, सुना है। अभी जैसे मुझे पता है कि तुकाराम महाराज ने जो अभंग लिखे हैं उसमें ये अभंग इस भगवद गीता के श्लोक के ऊपर लिखा है। तो ऐसा बताने के बाद ही वो उनको समझ में, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बोले हम लोग कहाँ मिल सकते हैं। बोला आप बताओ कहाँ पे मिल। तो उन्होंने मेरे को कार्ड दिया, बोला कार्ड मत दो ऐसे मिल लेंगे हम लोग, ये सुनीता राठी, ये इधर ही कहीं सोमलवाड़ा के पास ही, मनीष नगर के पास ही रहते हैं, मिल लेते हैं। कस्टमर कैसे भी आ सकते हैं। अभी अगर मेरे को भगवद गीता के बारे में पता नहीं रहता, ठीक है वो मेरे अच्छा लगता है मेरे को। अभी 5000 साल कंप्लीट हो गए भगवद गीता को, कंप्लीट हो गए 5000 साल और 6 साल हो गए उसके ऊपर, 6 साल हो गए। तो उसके ऊपर एक बुक आई थी 5000 साल कंप्लीट होने के ऊपर, वो भी पढ़ी है अपन ने। मेरे घर भरे इसमें उसके 10 वर्जन्स पढ़े हैं भगवद गीता के, अलग अलग ज्ञानेश्वरी है, पढ़ते हैं अपन ऐसे। तुमको थोड़ा सा आउटडेट लगता हो, और कभी पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा रहता है। तो मैं मजाक मस्ती करता था, ये भी करता हूँ। तो जब हम लोग किसी के साथ टॉपिक चाहिए ना, यूनिक टॉपिक, अगर तुम्हारे पास लोगों के साथ बात करने के लिए टॉपिक नहीं, तो तुम धंधा भी नहीं ला सकते। सेल्स का सबसे पहला रूल ही यही है कि तुमको उनके टॉपिक में जाके बात करना पड़ेगा। जैसे उनका अभी मैं आज एक, मतलब आज मैंने आस्क मांगा कि मुझे MIDC के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके कनेक्ट्स चाहिए, MIDC हिंगना और MIDC बुटीबोरी। करीब यहाँ पे नहीं बोले तो 2-1 हज़ार यूनिट है। 2 हज़ार में से नंबर मिले अपन ने मैसेज भेज दिए, उसके बाद में अगर अपने को 50 लोग मिले कि जो भाई मिलने के लिए आओ, तो 50 लोगों में से 10 लोगों को तो अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हाथ का एक 1 लाख रुपए का अगर अपन वीडियो बना लेते हैं तो 10 लाख के वीडियो मिल जाते हैं। लेकिन उसको जाके जब हम लोग बताते हैं, तो मेरे को कल किसी ने पूछा कि बोले तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो क्या, तो मेरा 30% कन्वर्जन रेशियो, मतलब 100 लोगों के साथ मैं अगर मिलता प्रपोजल भेजता हूँ तो 30% कन्वर्जन रेशियो। तो 30% कन्वर्जन रेशियो मतलब अगर अपना टिकट साइज 70,000 का है तो 30 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो 100 लोगों को मेरे को कनेक्ट करना पड़ता है। तो 100 लोग कहाँ से आएंगे इसका मेरे को पहले रिसर्च करना पड़ता है। तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे आस्क मांगता हूँ कि मेरे को ये लोगों से कनेक्ट करवाओ, वो लोगों से कनेक्ट करवाओ, तब तुम लोगों को बिजनेस मिलेगा। ये बिजनेस, ये जब पूरा संभालने के लिए अपने को बहुत टाइम लगता है। तो तुम लोगों को ये सोचना है कि जो तुम शोरीज बनाओगे वो किस टारगेट के लिए रहेंगे। तुमको अभी से सोचना है, तो जॉब तो सबको मिलना है, लेकिन तुमको कहाँ पे जॉब करना है ये अभी से सोचो ना। तुम अभी लिखो कि अगले 3 महीने के बाद मैं ये कंपनी में बैठ के जॉब करूंगा, लिखो विजुअलाइजेशन। ये कंपनी में बैठ के सुबह गया मैं, ये बढ़िया किया, आज मुझे ऑफर लेटर मिला, मैं ये कंपनी में गया, यहाँ बैठ के ये काम मैंने शुरू किया, टीम लीड से मिला, टीम लीड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मैंने ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये पूरा लिखो तो तुमको जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा है सब। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो ऑलरेडी इसमें क्या है, एनिमेशन, एनिमेशन ऑलरेडी हमने कॉपी किया, तो हम लोग कंट्रोल जेड मार देते, वी डोंट नीड एनिमेशन राइट नाउ। हम लोग एनिमेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, फिट बैठ गया क्योंकि वो है HD 1.778, वो उसका इमेज एस्पेक्ट रेशियो याद है, विड्थ डिवाइड बाय हाइट किया था हमने, रिमेम्बर। हाँ, तो यहां से शुरू हो जाता है, इसको हटा दो सुनील मंडे, एरो से करता हूं क्या,
आफ्टर इफेक्ट्स में पेज अप पेज डाउन से करता है। स्केल क्लिक किया भी, मैं ऐसा करता हूँ कि एंड तक लेके जाता हूँ एंड एंड तक ले जाके उसको थोड़ा हल्का जूम कर दिया, हल्का सा रोटेट भी कर देता हूँ, क्लिक रोटेशन। अभी देखो मेरे को स्टार्ट वाले इस पे जाना है तो ऐसे झामल झुमल नहीं करता, क्या करता हूँ ये दिख रहा है की फ्रेम क्लिक, यहाँ पे गया हल्का सा, हल्का ही करना है। अभी देखो वो उधर के कॉर्नर छूट गए, छूट गए क्या करेंगे फिर, ज्यादा रोटेट हो गया करे, हाँ इतना करते हैं हम लोग हमेशा, सात वगैरह करते हैं, ज्यादा करो भी मत, ठीक है सात, मेरे को लगता है कि फिर कभी भी जरूरत नहीं है। प्ले हो रहा है, फिर क्या करोगे, चलो कुछ नहीं इसको सिलेक्ट करो, क्या करो कंट्रोल सी कॉपी और यहां पे कंट्रोल, अरे होना है यार जल्दी, क्या फालतू है, सिलेक्ट नहीं हुआ था, सिलेक्टेड है कंट्रोल नहीं हुआ ना, कॉपी कंट्रोल सी, ये सिलेक्टेड एरो कंट्रोल वी हो गया, हुआ करे, अभी एक बार हो गया ना कंट्रोल सी हो गया बच्चा लो, हो गया काम इजी हो गया क्या, हर बार एनिमेशन करने का जरूरत है क्या, हो गया ना उसे, क्या होता है ना हमेशा बिना म्यूजिक का बहुत ही घटिया लगता है सब कुछ, लगता कह रहे डालो ये वाली आवाज थोड़ी कम, टिल्टेड की और अच्छा करे, और अच्छा करे बहुत इजी है, बीट्स को सुनो, क्या करो तो सुनते म्यूजिक चेंज हो रहा है यहाँ पे फिर से, तो इसको क्या करो, आया ये दूसरा, वापस कॉपी करता हुआ, फुटेज नहीं ना मेरे पास, हाँ
म्यूजिक समझना पड़ेगा। ऑल दबा के कॉपी कर रहा। यू कैन टेक एनी फुटेज ऑल्सो, तुम फुटेजेस इमेजेस ले सकते हो। तो यही तुम्हारा एक्सरसाइज है। आई ओ म्यूजिक चेंज, तो फुटेज कंपलसरी चेंज। क्या किया? आई ओ इन एंड आउट। सिर्फ वीडियो ही चाहिए, ऑडियो है भी नहीं वैसे, ड्रोन का फुटेज है। म्यूजिक चेंज तो कंपलसरी, मैं जनरली लाइन अप करता हूँ एक के पीछे एक। लेकिन किसी को अगर ऐसा नहीं करना है, सो व्हाट यू कैन डू, इसके ऊपर रख सकता है इसे। क्या देखो राइट, अभी तक मार्कर सीखा है नहीं। देखो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो ब्लैंक आ रहा है ना यहां पे, तुम क्लिक कर डाल सकते। समझे ना? मल्टीपल अभी कैसा लग रहा है? विदाउट म्यूजिक जिंदगी भी ऐसी ही रहती है। तो ऐसे ही स्लाइड शो बनाए तो मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ऐसा बनाना शुरू किया तुमने, देखो अभी पूरा इसको नहीं, यहां पे यार कर्सर रख के टिल्टेड की प्ले। बन सकता, तुमको याद है मैंने कल ऐसे ही ऑडियो सुने थे और डाउनलोड किए थे। ये इसलिए किए थे क्योंकि मेरे दिमाग में था कि हम लोग ऐसा कुछ स्लाइड शो बनाएंगे। अब ये नॉर्मल बनाए हम लोग कल एक ये जो अपने लिए दिया था ना, ये प्रोजेक्ट एक है अपने पास, इसका हम लोग ऐसा एक क्या बनाएंगे, काइंड ऑफ स्लाइड शो बना लेंगे। आ गया, आ गया।
ये वाले बना लेंगे इसका। तो अपने पास ये फोल्डर पड़े हैं वीडियोस, दिख रहे हैं ना ये, इसका मिला के एक हाथ हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आज तुम क्या करो, इमेजेस लो और इमेजेस का बनाओ। कहाँ से लोगे इमेजेस, कहाँ होता है वो, या टॉपिक डिसाइड करो। जैसे टॉपिक तुमने डिसाइड किया कैंपिंग, उसके ऊपर करो फिर टॉपिक वाइज। रैंडमाइज कुछ भी मत लो, क्योंकि कुछ भी लेने का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो कैंपिंग अगर शुरू किया तो सिर्फ कैंपिंग के ऊपर बनाओ। अगर तुमने टूर्स एंड ट्रैवल्स का लिया तो उसका बनाओ, उसके फोटोज लो, समझे गए रे। पर कोई टॉपिक को लेकर ताड़ो वालो व्हाट एवर, और क्या ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के ऊपर लो, और मुंबई के ऊपर लो, म्यूजिक अलग अलग ले सकते हो। यही म्यूजिक लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी म्यूजिक ले सकते हो। तुमको बता दो, आइडिया बहुत हो सकती है। तुमको लगेगा ऐसे कि इस पे क्या बनाए, चेक इट आउट। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे बेगा। बना सकते हैं, ये सब है विजुअलाइजेशन का खेल। अभी तुमको ओल्ड इन मुंबई के फुटेजेस मिलते हैं क्या, वीडियोस मिलते हैं क्या, वो सब देखो, मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलता। तुमको तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने के लिए लोगों को यही चाहिए होता है। जैसे ओल्ड सॉन्ग्स के ऊपर तुम क्या कर सकते हो, देखो ओल्ड मुंबई, तुमको वो भी बताता हूँ कहाँ मिलेंगे, है क्या। दुनिया में सबसे ज्यादा मुंबई के फुटेज अवेलेबल होंगे, मतलब भारत में तो ऐसा ही होगा। एक है वहां पर कितना पढ़ते हैं ये, इसको तुम्हारे मुंबई के बारे में अपना प्यार कितना है, पुणे के बारे में भी ये एपिसोड शुरू है। एक बंदा है जो यही काम करता है, वो मुंबई के लोकेशंस पे ले जाके उसका इम्पोर्टेंस बताता है, जैसे BSE स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ वगैरह ये सब। तो ये तुमको मिल जाएंगे। तो कभी मुंबई गए पहले ये देख लो, और फिर मुंबई जाओ और फिर ये देख के, अरे यार यहाँ पे तो ऐसा था, ये तुमको सब समझ में आएगा। देखो तो ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश जैसा फील आना चाहिए, क्योंकि उनको अकेलापन लगता था, करके उन्होंने मुंबई को उस तरीके से बनाया जैसे उनको वहां की याद है ना। बोरी बंदर स्टेशन कैसा था, क्या था, ये तुमको सब मिल जाएंगे। बड़ा बहुत ही जबरदस्त सीरीज ही है ये गोष्ट मुंबई की, ऐसा पुणे का भी। भरत गोटेश्वर करके टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला, ये यहाँ से भी तुमको फुटेज मिल जाएंगे। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा टाइम, नहीं है मेरे को मुंबई के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। ये इसने जो सिया, मैं इसको कुछ गया भी हुआ ये सब जगह पे, तो तू मेला लकीली मोंटा ही वाज सेव्ड, सो यू कैन गो। ही वाज बर्नड अलाइव फॉर बीइंग जू इन प्राइवेट, आणि त्याचे बोन्स काढले त्याच्या ग्रेव मधून आणि त्याला टॉर्चर केलं एज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। पार्ले जी तीच हवाई पट्टी कालांतराने आत्ताचा त्यांचा धर्म जो आलेला पैसा मुंबईच्या अर्थव्यवस्थे करता किती
खरं म्हणजे या परिसराचं जुनं नाव फुल बावडी, नॉट गुड हॅबिट. कालिना आणि वाकोला पडलं मोर बंगला ओळख उर्वरित भारतालाच नाही. तर तो ऐसा भी कर सकते तुम, शिवाजी महाराज मालूम है ना तुमको, शिवाजी महाराज की वजह से मुंबई हुआ. भाई क्यों रे, क्यों अभी हाथ बोल दिए, मुंबई डेवलप क्यों हुआ? मुंबई क्यों डेवलप हुआ तुमको पता है? महाराज ने दो बार सूरत के ऊपर सवारी की थी, दो बार सूरत, तो उसमें अंग्रेजों का बहुत कुछ लूट लिया था, तो इसलिए उन्होंने अपना बेस शिफ्ट करके मुंबई लेके आए. दिस वॉज द फर्स्ट रीजन कि कुछ अरे पैसा कम है अपने पास, चलो सूरत के पास जाके आते हैं. तो शिवाजी महाराज ने ऐसे बहुत बार से किया, तो उनको बहुत डर लगने लगा, तो उसकी वजह से उन्होंने मेन बेस शिफ्ट किया सूरत से मुंबई, क्योंकि मुंबई ऐसे आईलैंड सी थे, सेवन आईलैंड से वहाँ से किया, फिर उनको कनेक्ट किया. माई अलग था, कुलाबा अलग था, तो ऐसे अलग अलग थे, फिर उसको कनेक्ट किया, फिर क्या करें रिक्लेमेशन किया. रिक्लेमेशन मालूम है मतलब समुंदर से ज़मीन लिया, तो जो मरीन ड्राइव वगैरह एरिया दिखते ना उसमें ज़मीन मतलब मिट्टी विट्टी डाल के बनाया हुआ है, वो ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल समुंदर ही था वहाँ पे. फिर वो हद अगर एक का स्टोरी है, अभी तो तुमको कभी वहाँ पे जाने को भी नहीं मिलता है. आफ्टर 2008 का अटैक हो गया था ना, उसके बाद में अभी मुंबई भी तुम ज़्यादा जा नहीं सकते, मतलब वो पर्टिकुलरली गेटवे ऑफ इंडिया और ताज, हम लोग ताज के अंदर से भी घूमते थे, अंदर से उनके पैसेज के अंदर से घूमते थे. हाँ वो जहाँ पे अभी वो पूरा पैक कर दिया, अभी उधर पुलिस ही खड़े रहते, लेकिन हम लोग अंदर भी ऐसे पूरा घूम के आते थे. फॉर्चुनेटली एक ही बार मैं गया था, हमारा एक प्रोग्राम था, तो ये जब अल्फा लॉन्च हुआ था ना, सोनी अल्फा, वो सीरीज के लॉन्च में गया था मैं, तो ये सुनना कभी तुमको बड़ा मजा आएगा. जिसको मुंबई से प्यार है उसी को मजा आएगा. ये मिनी लंदन वाला बहुत खतरनाक वाला आइटम है, दिखा ये दिख रहा है मिनी लंदन. तो ये है वो लाइब्रेरी, कभी अगर गाना देखा होगा तुमने तेजाब का 1-2-3, वो जब अनिल कपूर बोलता है, वो यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों में ये लाइब्रेरी यूज है, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी है. गांजा का पूरा ये बैठता था, 5-1 वर्षानंतर बांधला गेला, गांजा बेचते थे जो पारसी लोग थे ना, ये सब गांजा बेचते थे. आणि इकडे व्यापार व्हायचा अमीर समोरच्या, तर इकडे सगळे लोक गोळा झाले आणि त्यांनी वाचून दाखवलं की 2 तऱ्हेचा स्टेट तो एरिया मधून असं ते वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये इधर बैठ के मैं बहुत बार खाने खाने गया, यही गया था सबसे पहले जब मैं मुंबई गया